जय श्री कृष्णा। महाभारत को महाकाव्य रूप में लिखा गया भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 100,000 श्लोक हैं, जो इलियड और ओडिसी से 7 गुना ज्यादा माना जाता है। महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है गीता। महाभारत में वेदों और अन्य हिंदू ग्रंथों का सार निहित है। महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। आओ जानते हैं महाभारत कब, कहां और क्यों कैसे हुई थी। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? शोधा अनुसार महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष बताई गई, जबकि ज्योतिषी के मतानुसार उनकी आयु 110 वर्ष की थी। ज्योतिषियों के अनुसार कलयुग के आरंभ होने से 6 माह पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को भारत का युद्ध का आरंभ हुआ, जो 18 दिन तक चला था। कलयुग का आरंभ श्री कृष्ण के निधन के 35 वर्ष पश्चात हुआ। विद्वानों का मानना है कि महाभारत में वर्णित सूर्य और चंद्र ग्रहण के अध्ययन से पता चलता है कि इसकी रचना 31वीं सदी ईसा पूर्व हुई थी, जबकि आमतौर वर्तमान के शोधकर्ता अनुसार इसका रचना काल 1400 ईसा पूर्व माना जाता है। ताजा शोध अनुसार ब्रिटेन में कार्यरत न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में कहा है कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व को हुआ था। उस वक्त भगवान कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे। इसके कुछ माह बाद ही महाभारत की रचना हुई मानी जाती है। शोधकर्ता के अनुसार वेद व्यास की महाभारत को 3 चरणों में लिखा गया था। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 100,000 श्लोक लिखे गए। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के संस्कृत महाभारत सबसे प्रमाणिक मानी जाती है। अंग्रेजी में संपूर्ण महाभारत 2 बार अनुदित की गई थी। पहला अनुवाद 1883 से 1896 के बीच किसी मोहन गांगुली ने किया था। 1895 से 1905 के बीच 100 साल बाद डॉक्टर देव रॉय तीसरी बार संपूर्ण महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। महाभारत के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्राय सभी जनपदों सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुस्तु था और 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।